लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कई राजनीतिक दलों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। रिजल्ट में सबसे तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन को लगा। ये दोनों ही दल बीजेपी को मात देने के लिए 25 साल बाद एक साथ आए थे, लेकिन यहां उम्मीदें टूटी और वहां गठबंधन की गांठ भी खुल गई, जिसके बाद लगातार सपा और बसपा में दूरियां देखी जा रही है। और अब मायावती ने आसम खान के बहाने सपा पर निशाना साधा है। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की आहट होते ही कई प्रतिद्वंदी एक दूसरे के दोस्त बन गए, ताकि बीजेपी को सत्ता में वापसी करने से रोका जा सके। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर तो हर राजनीतिक दल की नजर थी। यहां बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने हाथी कदम और साइकिल की रफ्तार से बीजेपी के विजय रथ को रोकने का प्लान बनाया। दोनों दुश्मन करीब ढाई दशक बाद एक मंच पर एक साथ नजर आए, बीजेपी को शिकस्त देने का दम भरा और दोस्ती के तराने गाए। लेकिन जब नतीजे आए तो ये तराने तो बंद ही हुए, साथ ही गठबंधन का भी दी एंड हो गया और फिर शुरू हुआ हार का ठीकरा फोड़ने का सिलसिला। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगाने से पीछे नहीं रहे और अब जब केंद्र सरकार समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बीजेपी सांसद रमा देवी पर की गई टिप्पणी को लेकर सपा को घेर रही है, तभी बीएसपी सुप्रीमो सपा चीफ अखिलेश के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। मायावती ने आजम के बयान की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट किया कि यूपी से सपा सांसद आजम खान द्वारा कल लोकसभा में पीठासीन महिला के खिलाफ जिस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह महिला गरिमा व सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है, तथा अति निंदनीय है। इसके लिए उन्हें संसद में नहीं बल्कि समस्त महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। मायावती के इस बयान से जाहिर है कि सपा और बसपा में शुरू हुआ घमासान अब भी जारी है। आपको बता दें कि आजम अपने बयान को लेकर चौतरफा घिरे हुए हैं और ऐसे में मायावती का बयान सपा और आजम की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।